आपकी दुकान स्टोर में रखे सामान का पूरा खाता तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। दिल्ली एनसीआर में गर्मी से हाल बेहाल बना हुआ है, लेकिन आज से थोड़ी राहत मिलने की संभावना है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी के अनुसार आज से तेज गर्म हवाएं चलेंगी, जिससे तापमान में गिरावट आएगी। हालांकि इस दौरान मौसम साफ रहेगा और धूप निकलेगी। मौसम विभाग के मुताबिक आज दिन में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने का अनुमान है। इससे अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है। धूप खिलने के साथ ही सुबह 9 बजे के बाद से गर्मी और तापमान में लगातार इजाफा देखने को मिलेगा। गौरतलब है कि अब तक मार्च के महीने में एक बार भी बारिश नहीं हुई है। ऐसे में महीने के अंत तक गर्मी के कई सालों का रिकॉर्ड टूट सकता है। दिल्ली में सोमवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री ज्यादा 20.5 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान सामान्य से 6 डिग्री ज्यादा 36.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। गुरुवार को दिल्ली में हवा में नमी का स्तर 28 से 77 फीसदी रहा। दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है और आसमान साफ रहेगा, तेज हवाएं चलेंगी। नोएडा की बात करें तो नोएडा में आज अधिकतम तापमान 38.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25.1 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है, मौसम साफ रहेगा। गुरुग्राम की बात की जाए तो गुरुग्राम में आज अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है और यहाँ भी मौसम आज साफ ही रहेगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार आज दिल्ली का AQI खराब श्रेणी में रहा है और 282 दर्ज किया गया है और नोएडा का AQI 207 दर्ज किया गया है, जबकि गुरुग्राम का AQI खराब श्रेणी में रहा है और 263 रिकॉर्ड हुआ है। रिपोर्ट मार्केट टाइम्स TV। आपके ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।